partial differentiation और differentiation में क्या अंतर है पहले आप समझ लें, हम लोग total differentiation भी cover करेंगे। जब भी आप इस symbol से work करते हैं तो आप single function की बात करें, ठीक है? जैसे आपने लिखा d by dx of f, तो आप कोई भी fx का function consider कर सकते हैं। You have considered a lot of such function, x की power n सब कुछ आपने consider किया। ऐसे आप sin x, cos x, e की power x और बहुत सारे functions आप पढ़ चुके हैं। Partial में हम लोग ये symbol use करने वाले हैं, del y, del x। अब function सिर्फ x का होगा, that will become total differentiation। तब वो यही form ले लेगा। यहाँ पे हमारे पास two variable functions। जब हम total differentiation की बात करते हैं, हमारे पास single variable function होता है। और जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो वी आर गिवन द टू वेरिएबल फंक्शन, और यदि ये भी सिंगल वेरिएबल बन जाए तो पार्शियल टोटल की इक्विवेलेंट हो जाए। यदि यहां पे आपके पास सिंगल वेरिएबल x होता तो पार्शियल का मतलब भी टोटल डिफरेंशिएशन हो जाता। यदि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन fx by डिफाइन करते हैं तो कई बार इसे हम स्मॉल p से भी डिनोट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसके अलावा बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में। हम फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल ले सकते हैं, जिसे आप q लें। इसी तरीके से हम फंक्शन में डबल डिफरेंशिएशन की बात कर सकते हैं। यदि हमने ऐसा किया कि इनिशियली हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया और बाद में हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक बार और हमने x के रिस्पेक्ट में लिया, इसलिए पहले दो बार x के रिस्पेक्ट में लेते हैं। इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल स्क्वायर डेल x स्क्वायर fxy, और इसको बोला जाएगा r। हम लोग कुछ एग्जांपल से करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी आप समझ लें। इसी तरीके से यदि आप पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं और फिर जस्ट आप y के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसे आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर डेल y डेल x fx y। ठीक है, आपने पहले x के रिस्पेक्ट में किया था फिर y के रिस्पेक्ट में किया था, तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, आपको दिख रहा है वहां से, या फिर थोड़ा और सेट कर दीजिए, आप भी इधर आ जाइए। टास्क को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आपने y के रिस्पेक्ट में लिया पार्शियल और अब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल लें। इसका मतलब होगा डेल स्क्वायर डेल x डेल y ऑफ व्हाट फंक्शन है। और बच्चों ये भी ऐसा होता है, मतलब ये दोनों सेम आपको मिलेंगे। वो था आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों केस में आपको सेम आंसर मिलेगा। एक और लास्ट टास्क हो सकता है कि जब आप पहले तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल लें लेकिन बाद में आप किसी का y के रिस्पेक्ट में अगेन लें, मतलब दो बार आपने y के रिस्पेक्ट में, पहले y के रिस्पेक्ट में एक बार और y के, इसको आप बोलेंगे डेल स्क्वायर डेल y स्क्वायर ऑफ y ऑफ फंक्शन f x का है, और इसको बोला जाता है t। इज इट ऑल राइट? तो इस तरीके से आपके पास p q r s और t मिल जाएगा। ये बोलते क्या है, दीज आर ऑल कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, ये पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होता है। चलिए एक जनरल प्रॉब्लम में आप डील करता हूं पहले। इफ यू आर गिवन दिस अ फंक्शन
fx y. Many times we do say f only. The function is sin x plus y plus e to the power x. Let's say this is the function that you have. Quite obvious, it is a xy function, function in xy. Now you want some partial differential coefficients. Okay, right now I want you to calculate all the partial differential coefficients. मैं चाहूँगा कि आप सभी निकालें, ठीक है? मैं कुछ करता हूँ, कुछ आप करें. सबसे पहले हम p निकालना सीखें. p के लिए हमें क्या करना है? इस function f को x के respect में partially differentiate. p निकालने के लिए क्या करना है? x के respect में ही partially differentiate करना है. बिल्कुल basic से आप सुनिए कैसे करना है. एक्चुअली में कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, मैं आप लोगों के लिए दोबारा से करवा रहा हूँ. सब लोग ध्यान दें, मैं एग्जांपल्स नए नए दूंगा. तो पहला टास्क है कि आप इसे ऐसा देखें, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ, जैसा आपने यहाँ लिखा है डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ. ठीक है, एफ एक्स वाई लिखो या एफ लिखो, दोनों का मतलब सेम है. एक्चुअल एक्स वाई फंक्शन ही ले रहे हो आप. अब जैसे आप डिफ्रेंसिएशन में करते थे कि फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे डिफरेंशिएशन को, वैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. तो आपको यहां मिलेगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई और साथ ही साथ डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स. बोलिए कोई डाउट? अब पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में इस बात का अंतर है कि यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल ले रहे हैं तो केवल एक्स ही वेरिएबल होगा, बाकी सभी वेरिएबल आप कांस्टेंट बना देंगे. मतलब y यहां पे आप वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, रादर y को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट वी एक्चुअली है. तो क्या करना होगा आपको, इसे sin x plus कांस्टेंट मान के काम करना होगा. और sin का डिफरेंशिएशन जो भी आपने पढ़ाया आपने cos x, सेम डिफरेंशिएशन की बात आप यहां. तो यहां पे आप लिख सकते हैं cos ऑफ x plus y और फिर x plus y का पार्शियल लीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो x का 1 और y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0, तो यहां पे 1 का 0 हो जाएगा. प्लस e टू दी पावर x y, y आप कैसा ट्रीट करने वाले हैं? कांस्टेंट की तरह. e टू दी पावर x y का डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, e to the power nx का differentiation, e to the power nx और nx का differentiation multiply होगा n. n की जगह आप a लिखते हैं, whatever constant है यहाँ पे n, तो वैसे ही यहाँ पे y आप क्या मान के काम कर रहे हैं? Constant. You need to deal with the same way, in same manner you will deal this particular differentiation. इसको इसी तरीके से आप deal करेंगे, y को बाहर करेंगे और e to the power what? बोली कोई डाउट? दिस इज योर आंसर. ये आपको p मिल गया, ये पहला बार से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपने निकाला. सर इसमें सर क्वेश्चन आया तो कैसे आया था आपको? आपको पार्शियल कोएफिशिएंट ऐसे बोल दिया? क्वेश्चन है तो आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस सीट में. जैसे भी क्वेश्चंस आपके पास हैं सभी आए होंगे, मैंने मेरी बिगनिंग की है. डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं आएगा कि आप सभी पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए, डायरेक्टली ऐसा नहीं है. अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे आपके पास सीख में. अभी हम करेंगे सीख के पापर, डोंट वरी अबाउट दैट. तो ये क्यों भी यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग. क्यों निकालना है? मतलब आपको y के रिस्पेक्ट में सेम फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको डेल f डेल y निकालना है. मतलब आपको डेल डेल y ऑफ f, व्हाट इज f? f इज दिस फंक्शन का नाम है sin x plus y प्लस e टू दी पावर एक्स. ठीक है, कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे आप समझ सकते हैं. आपसे मैं जानना चाहूंगा, बताइए भैया क्या होगा साइन एक्स प्लस वाई का वाई के रिस्पेक्ट? अलग अलग कर दें, इसका अलग कर दें, इसका अलग कर दें. ठीक है, एग्जाम में आप हर स्टेप को प्रॉपरली मेंशन करिए, अभी चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, या फिर अभी भी आदत बना के रखें, पूरा करिए. तो sin x plus y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अगेन cos x plus y, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि sin का प्लस में ही cos x plus y होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ sin का cos थीटा होगा. x plus y का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे आप
एक्स का तो जीरो हो जाएगा, वाई का वन होगा, जीरो प्लस वन वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका बोले क्योंकि एक्स आपने बाहर लिया वाई का वर्ग, ठीक है, ये आपको मिल गया क्यू सेकंड इक्वेशन। इस तरीके से आपने P और Q निकाल लिया। चलिए आज निकाल लिया। तो R का मतलब क्वाइट ऑब्वियस है, आपके पास लिखा हुआ है। आपको पहले X का डिफरेंशिएशन कंसीडर करना है, मतलब फंक्शन का X के रिस्पेक्ट में करना है, फिर उसका एक बार और X के रिस्पेक्ट, मतलब R पाने के लिए आपको फंक्शन में डबल डिफरेंशिएशन की बात करनी है, मतलब डेल बाय डेल x ऑफ डेल f बाय डेल x की बात करनी है, मतलब डेल बाय डेल x ऑफ p की बात करनी है, और p आपके पास ऑलरेडी है, यानी यहां पे आपको डेल बाय डेल x ऑफ cos x प्लस y प्लस e टू दी पावर y to the power x by सॉल्व करना होगा, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला टास्क है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, क्या कर लें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें डेल डेल x ऑफ व्हाट आप दिस फंक्शन cos x plus y, और फिर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो y e to the power x, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो cos x plus y का माइनस sin x plus y होगा, और फिर x plus y का एक बार और डिफरेंशिएशन, वो भी पार्शियल x के रिस्पेक्ट में, x का वन y का जीरो, तो वन का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर देखिए बेटा y y बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर किया, क्योंकि cos x हम बाहर करते हैं, e की पावर x y का क्या होगा, e की पावर x y, और x y का क्या होगा, x y का y होगा, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपलिसिटी से आप समझते चलिए, एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप हर तरीके के प्रॉब्लम्स करते हैं, कोई डाउट होता है तो मैं पूछिए। आ गया यहां तक समझ में, आपने p निकालना सीखा, q निकालना सीखा, r निकालना सीखा, अब हम निकालेंगे s, बोलिए कोई डाउट यहां तक, नो डाउट, ये आपने निकाल लिया आर, एस निकालिए, एस निकालने के लिए आपको डेल स्क्वायर, इन दोनों में से जो भी टास्क आपको अच्छा लगे वो कर लें, या दोनों कर लें, दोनों में आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है, सिर्फ एस निकाल रहा हूं तो फिर दोनों ना करें, वेरीफाई करना हो तो आप दोनों करके देख सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, मतलब आप डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई, मतलब क्यू कर लें, ठीक है, तो डेल एफ बाय डेल वाई, चलिए रख देते हैं हम लोग, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई इज देयर विद अस, ये हमारे पास है, ये डेल एफ बाय डेल वाई, क्यू को ही बोलते हैं डेल एफ बाय डेल वाई, तो ये मिल गया आपको कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मैंने नीचे वाला किया है, आप चाहे तो ऊपर वाला करके देखिए, ये आपको होमवर्क है, आप करके देखिएगा सेम आंसर आएगा। तो यहां से आपने ऑब्जर्व किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दें डेल बाय डेल एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई, और फिर आप लिखें डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई, इसका पार्शियल लेते हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स प्लस वाई का क्या होगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वन होगा और वाई यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो जीरो होगा, वन प्लस जीरो वन का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ बेटा बोले यहाँ का फर्स्ट सेकंड आपको लगाना होगा, डू रिमेम्बर, क्योंकि एक्स भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट सेकंड, नाउ फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन आप सेकंड, क्या होगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, e की पावर x y, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y,
प्लस सेकेंड और पार्शियल डिफरेंशिएशन x का वन बाय इज इट ऑल राइट. ये आपको मिल गया फोर. किस चीज की वैल्यू आपने निकाल ली? yes, yes. एक और आपके पास लास्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है टी, जिसे आपको निकालना. टी में हमें क्या करना होता है? दो बार फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है. एक बार आपके आपके पास डेल एफ वाई डेल वाई था, उसी को y के रिस्पेक्ट में करिए. यही तो डेल एफ वाई डेल वाई था. इसको अब x की जगह आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है? y की जगह. तो डेल वाई आप cos x plus y plus x e to the power x. क्या करें आप? पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें डेल वाई ऑफ cos x plus y, फिर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें डेल वाई ऑफ x e to the power x. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. लेटर ऑन क्या मिलेगा आपको? cos का डिफरेंशिएशन बोलिए, माइनस का साइन x प्लस y, और x प्लस y का क्या लिखेंगे आप? ऑब्वियसली आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, क्योंकि x का 0 होगा, y का 1 होगा. 0 प्लस 1 1 का मल्टीप्लाई. यहां बोलिए x इज कांस्टेंट राइट नाउ, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली नहीं कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो x क्या होगा? कांस्टेंट होगा. यहां पे क्या मिलेगा आपको? e की पावर x y, और x y का पार्शियल आप अगेन करेंगे तो अगेन आपको x मिल जाएगा, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का वर्ग हो जाएगा. तो इस तरीके से आपने 5 पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स निकाले. You have determined all these 5 partial differential forms. एक बार मैं क्विकली आपको रिकॉल कराता हूं, जब आप टू वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तब इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है. क्या इंपॉर्टेंस होता है? जब भी टू वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है तो हम सबसे पहले p निकालते हैं, फिर q निकालते हैं, फिर r निकालते हैं, फिर s निकालते हैं, और t निकालते हैं. हम p और q को जीरो करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, और उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट पे आर एस टी निकालते हैं. क्या करना होता है जब भी आपको किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमम बताना है? वन वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम आपने 12th में सीखा है. आपके पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है, उसे आप एक बार डिफरेंशिएट करिए और क्रिटिकल पॉइंट निकालिए उस डिफरेंशिएशन पे, फिर डबल डिफरेंशिएट करिए और उस पॉइंट को रखिए. यदि डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब मिनिमम, और डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमम. उसी तरीके से दो वेरिएबल का फंक्शन होगा तो हम डिफरेंशिएशन से काम नहीं कर पाएंगे. हमें क्या करना होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमम के लिए. ऐसे केस में आप p निकालें, q निकालें, p q को जीरो करके पेयर ऑफ पॉइंट्स निकालें, उन पेयर ऑफ पॉइंट्स से आर एस टी निकालें, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी आप बोलेंगे या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, अदरवाइज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. अब यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, साथ ही साथ आर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, और आर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा. एक बार मैं और कवर करता हूं, टॉपिक हुआ था इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड करा लिया. चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स आपके सीट से लेंगे. अब यू इज गिवन टू यू टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय वाई. आपको प्रूफ करना है एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू जी. सीधी सीधी सी बात है, ये तो और इजी प्रॉब्लम हुआ. आपको केवल पी और क्यू निकालना है. एक्स इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू जी. पहले प्रॉब्लम इसमें इजी है, ठीक है, पहले देखते हैं. सबसे पहले तो आप डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है. डेल यू बाय डेल एक्स मतलब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डेल यू बाय डेल एक्स ऑफ वाई, यू की वैल्यू रखें. रख दिया यू की वैल्यू आपने. अब आप चाहें तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ऑब्वियसली करना होगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है. मैं पार्टीशन करता हूं दोनों साइड पर. अब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है.
पढ़ा है आपने 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x मींस y डिवाइड बाय लेकिन याद रखिए एग्जैक्टली x नहीं था सम फंक्शन ऑफ x इसलिए इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे वाले वाले टर्म्स क्या आएगा यदि आप y डिवाइड बाय x के पार्शियल से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस y डिवाइड बाय x स्क्वायर ठीक है चलिए लेटर ऑन कर लेते हैं प्लस sin इनवर्स x डिवाइड बाय y का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस और फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे x डिवाइड बाय ठीक है यहां से आपको मिलेगा y स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड में एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये x स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यहां से आपको y बाहर ले लेना चाहिए और 1 बाय x का जनरल डिफरेंशिएशन आपको पता होता है माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर वही टास्क यहां अप्लाई करना चलिए इसके बाद क्या करना होगा आपको यहां पे अगेन आप 1 बाय y बाहर ले लें और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा यहां से बेटा क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और एक y ऊपर चला जाएगा और ये y इससे कट भी जाएगा ये x स्क्वायर आप यहां से कट कर सकते हैं तो आपको मिल गया माइनस y डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय रूट y स्क्वायर माइनस आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे इस पे किसका मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे सर x चलिए कर लेते हैं x का यहां x मल्टीप्लाई और यहां भी x का मल्टीप्लाई इसे फर्स्ट नाम लेते हैं अब हम निकालेंगे डेल u बाय डेल y चलिए निकालते हैं डेल u बाय डेल y निकालते हैं फिर उसमें y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब है डेल बाय डेल y ऑफ tan इनवर्स y डिवाइड बाय x प्लस sin इनवर्स x डिवाइड बाय y डेल y ऑफ tan इनवर्स y डिवाइड बाय x प्लस डेल y ऑफ sin इनवर्स x डिवाइड बाय y यहां पे आप यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन सेम फार्मूला इज एप्लीकेबल 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर और पार्शियल लेंगे आप y डिवाइड बाय x का सिमिलरली यहां 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस x डिवाइड बाय y का होल स्क्वायर और पार्शियल किसका लेंगे x डिवाइड बाय वो लिखो जाओ तो यदि x को आप बाहर ले सकते हैं ठीक है y का वर्ग हो जाएगा ऊपर क्या चला जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और क्या बाहर आ गया 1 अपॉन x आपने यहां पे इसके बाद आपने इसको सॉल्व किया तो यहां से आप क्या बाहर ले सकते हैं x बाहर ले सकते हैं ऊपर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और डिवाइड में क्या जाएगा y वो y आप कहां भेज सकते हैं ऊपर और यहां क्या जाएगा 1 x तो बाहर ले लिया और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन y पार्शियल डिफरेंशिएशन आप किसका ले रहे हैं 1 बाय y का तो माइनस 1 डिवाइड बाय y x से ये कैंसिल आउट और एक y कैंसिल आउट डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस y स्क्वायर माइनस आएगा डेल u बाय डेल y में तो आपको मिल जाएगा x y डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x और y से y कैंसिल कर दूंगा डिवाइड बाय अंडर रूट y स्क्वायर माइनस we are supposed to add these two values first और second equation को आप add कर दें तो आपको exactly मिल जाएगा जो आपको चाहिए क्या मिल जाएगा LHS मिल जाएगा x del u by del x
प्लस वाई डेल यू बाय डेल एक्स मिल जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, जीरो, और ये प्लस में है, ये माइनस में है। हेंस